तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ नहीं थम रहा विरोध। मर्यादा कुरियल सट। राज्यपाल ने बाबा साहेब और पेरियार जैसे नायकों का किया अपमान। सट मन्र उरुपिनर गले। तमिलनाडु में लगे गेट आउट रवि के पोस्टर्स। गेट आउट रवि, इन दिनों तमिलनाडु में हर जगह इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को हटाने की मांग को लेकर हैं। तमिलनाडु में गवर्नर आरएन रवि का विरोध बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उन पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, समाज सुधारक पेरियार और डीएमके नेता एम करुणानिधि जैसे लोगों का अपमान करने का आरोप लगा है। दरअसल गवर्नर रवि ने 9 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू होने पर अपना अभिभाषण दिया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण से वो हिस्सा हटा दिया जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, द्रविड़ आंदोलन के जनक थंटई पेरियार और डीएमके के सबसे बड़े नेता एम करुणानिधि, के कामराज और सीएन अन्नादुरई के आदर्शों का जिक्र किया गया था। मर्यादा कुरियल सट। गवर्नर की स्पीच के 65वें पैराग्राफ में इन महापुरुषों के आदर्श और द्रविड़ मॉडल पर काम कर रही तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया था, लेकिन आरएन रवि ने इसे स्किप कर दिया। सदन में इस पर हंगामा हुआ और सीएम स्टालिन ने इस पर टिप्पणी की, जिसके बाद गवर्नर रवि ने राष्ट्रगान गाए जाने तक का इंतजार नहीं किया और सदन छोड़कर चले गए। गवर्नर की सरकत से लोग भड़क उठे हैं और उनके खिलाफ अब अभियान छिड़ दिया गया है। सदन में तो उनके इस आचरण पर खूब हंगामा हुआ ही था, लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर चेन्नई की गली मोहल्लों तक उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग उनकी निंदा कर रहे हैं और उन पर जातिवादी और ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि आरएन रवि को राज्यपाल के पद से तुरंत हटाया जाए। स्टालिन से लेकर डीएमके के तमाम बड़े नेताओं और विपक्षी नेताओं ने राज्यपाल के इस आचरण की निंदा की है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी सरकार ऐसे गवर्नर को वापस बुलाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।